तो दिवाली अब कुछ ही दिन दूर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे, अपने घर की सफाई कर रहे होंगे, अपने घर की सजावट के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिवाली पे घर की सजावट के लिए कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ें ही नहीं, क्योंकि दिवाली है दीपों का त्यौहार और लाइट्स बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं दिवाली का। इसीलिए हम आज के वीडियो में बनाने वाले हैं कुछ तरह की कैंडल्स। ये बहुत 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 सुंदर हैं, बहुत आसान हैं। कैंडल्स इसीलिए मैं बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे कैंडल्स बेहद पसंद है। पर अगर आप मार्केट में ये सुंदर सुंदर कैंडल्स ख़रीदने जाएँ तो बहुत 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 महंगी होती हैं। पर ये आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल्स बनाना। तो सबसे पहले कैंडल के लिए हमें चाहिए एक गत्ते का डब्बा जिसे आप काट सकें या खराब कर सकें, और हमें चाहिए एक बत्ती। अब आप पानी को गर्म कर लीजिए, इसे बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद वैक्स लीजिए जो आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएगी। इस पैराफिन वैक्स को आप एक छोटे पतीले में डालिए और फिर इसे गर्म पानी वाले पतीले के अंदर डबल बॉयलर बना के इसे पिघल लीजिए। 1 किलो पैराफिन वैक्स मुझे 160 रुपये में मिल गई थी, जो काफ़ी किफ़ायती है, और ये बत्तियाँ जो हैं ये भी काफ़ी सस्ती हैं। तो इतने सामान से आप बहुत कैंडल्स बना सकते हैं। क्योंकि मैं सेंटेड कैंडल बना रही हूँ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल तभी डालिए जब वैक्स थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाए। अब इस वैक्स को अपने गत्ते के डब्बे में डालिए। जिस शेप की आप कैंडल बनाना चाहते हैं उस शेप का आपका डब्बा होना चाहिए, ताकि ये बत्ती वैक्स के अंदर सीधी खड़ी रहे जब तक ये वैक्स जमने ना लग जाए। मैं इस डब्बे के ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा टेप और 2 स्ट्रिप्स टेप की लगाऊंगी, ताकि इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में बत्ती अड़ी रहे और सीधी खड़ी रहे। जब ये फिर अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और कैंडल एकदम जम जाए, तब हम निकालेंगे इसको अपने मोल्ड के अंदर से। अब ये तो हो गई एक बहुत ही सिंपल वाइट कैंडल रेडी, पर सिंपल से हमारा मन कहाँ भरता है। तो हम इसे सजाने वाले हैं और इस पर कुछ अक्षर प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट करने के लिए आपको चाहिए ट्रेसिंग पेपर और एक नॉर्मल प्रिंटर का A4 साइज पेपर। अब जो नॉर्मल पेपर है उसके ऊपर हम जो ट्रेसिंग पेपर है वो अच्छे से चिपका लेंगे। उसे बहुत अच्छे से चिपकाना है क्योंकि ट्रेसिंग पेपर आपके प्रिंटर के अंदर जाएगा नहीं, इसे डालने के लिए हमें इस पेपर पे चिपकाना पड़ेगा। तो इसे अच्छी तरह से चिपका दीजिए ताकि ये एक पेपर की तरह हो जाए, और फिर इसे प्रिंटर के अंदर डाल के आप इस पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो तस्वीरें हो, हैप्पी दिवाली हो, या जो भी आप लिखना चाहें। ये कैंडल एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी बन सकता है। तो आपका पेपर रेडी हो जाए तो उस पर प्रिंट आउट ले लीजिए। मैंने प्रिंट किया है ड्रीम बिग, और पहली बार प्रिंट करने पे बहुत बड़ा आ गया था मेरी कैंडल के लिए, तो मैंने फिर से छोटा प्रिंट किया। अब ये ड्रीम बिग को आप काट लीजिए, जितना पास में काट सकें उतना पास काट लीजिए, और जब आप काटेंगे तो पीछे का जो पेपर है वो अपने आप गिर जाएगा और सिर्फ ट्रेसिंग पेपर आपके हाथ में रह जाएगा। अब इसको अपने कैंडल पे आप जहाँ प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे प्लेस करिए। फिर एक बटर पेपर लेके बटर पेपर अपनी कैंडल के ऊपर रखिए, बीच में अपने अक्षर रखिए, और बटर पेपर को एकदम टाइटली पकड़ के आप लेंगे एक हेयर ड्रायर, और हेयर ड्रायर इसके आसपास ऊपर नीचे घुमाते रहेंगे। मेरा हाथ जलने लगा इसलिए मैंने टॉवल अपने हाथ के ऊपर रख लिया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अक्षर थोड़े थोड़े डार्क और गहरे दिखने लग रहे हैं। जब पूरा का पूरा गहरा दिखने लगे तब उसका मतलब है कि आपका जो छापा है वो कैंडल के ऊपर आ गया है। फिर आप अपना बटर पेपर निकाल सकते हैं और देखिए रेडी है आपकी अक्षरों वाली कैंडल। अगर आपके पास प्रिंटर ना हो तो आप अपने हाथ से ट्रेसिंग पेपर पे कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। उसी तरह से ट्रेसिंग पेपर को काटिए, ऊपर बटर पेपर रखिए, और फिर हेयर ड्रायर के साथ वही प्रक्रिया दोहराइए, और आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हाथ से ड्राइंग करके कैंडल पे डाल सकते हैं। तो ये है कैंडल नंबर 1।
कैंडल नंबर टू के लिए मैं कांच की एक पुरानी अचार की बॉटल यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ सुंदर से पत्ते, और इन पत्तों को हम इस कांच की बॉटल के अंदर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे पिघली हुई वैक्स, पिघली हुई मोम, और इस मोम को हम एक ब्रश के साथ लगा देंगे तो ये पत्ते कांच की बर्नी के साथ चिपक जाते हैं और अपनी जगह पे रहते हैं, जगह नहीं छोड़ते। अब इस बर्नी में अपनी बत्ती डालिए और इस बर्नी को भर दीजिए मोम से। बत्ती को सीधा खड़े रहने के लिए आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेंसिल के साथ बत्ती को बांध सकते हैं या दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कैंडल नंबर तीन है रंगों से भरी कैंडल। मैं चाहती हूँ नीचे से सफ़ेद हो और जैसे जैसे ऊपर आए रंग और गहरा हो, इसीलिए नीचे के हिस्से में मैं डाल रही हूँ कलरलेस या सफ़ेद मोम। उसके बाद हम थोड़ी मोम और पिघला लेंगे और रंग के लिए हम डालेंगे बच्चों के क्रेयॉन्स। मैं यहाँ पर्पल कलर का क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ। कैंची से थोड़ा सा काट के मैं अपनी मोम के साथ इसे पिघल रही हूँ। आप कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे जमी हुई सफ़ेद मोम के ऊपर डाल दीजिए। अब मैं फिर से मोम पिघल रही हूँ और इस बार मैं चाहती हूँ रंग और गहरा हो, इसलिए करीब आधा क्रेयॉन मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे फिर से जमी हुई पर्पल वैक्स के ऊपर डाल दीजिए और इसे सेट होने दीजिए। वैसे तो ये कैंडल मुझे काफ़ी सुंदर ऐसे ही लग रही है, पर इसे और सुंदर बनाने के लिए हम एक डोरी लेंगे और बर्नी के ऊपर ये बांध देंगे ताकि ये और सुंदर दिखे। अब मैं आपको एक टिप दे दूं, घर पे बनी हुई कैंडल्स में अक्सर कैंडल के बीच के हिस्से में गड्ढा सा बन जाता है। उस गड्ढे को ठीक करने के लिए आप एक हेयर ड्रायर लेंगे और मोम को थोड़ा सा पिघल देंगे। पिघल देने के बाद आप इसे गरम वैक्स के साथ फिर से ऊपर तक भर दीजिए। अब जब ये जमेगी तब कोई भी गड्ढा नहीं होगा और आपकी कैंडल होगी एकदम परफेक्ट। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का कैंडल्स वाला वीडियो आपको पसंद आया। तो दिवाली की शुभकामनाएं, अपने घर को खूब सजाइए, खूब खुश रहिए और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। ओ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।